हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार है अभी मेरे, और थोड़ा थोड़ा उठ के मैं काम कर रही हूँ। तो आज मैंने एक रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मैंने एक रेसिपी ट्राई करी है और मुझे अच्छा लगा है। श्योरली अगर आपको देखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिर आज हम अभी मैं आपको वेलकम कर रही हूँ, शाम से करीबन 5 बजे है। इसके बाद क्या करने वाली हूँ और मैंने लंच में क्या बनाया था वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। चलो आप रेडी हो तो फिर आ जाओ। आज गार्लिक राइस बनाने जा रही थी तो कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। देखा आज का डिनर मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने हाई फ्लेम में रखा है क्योंकि जो गार्लिक राइस या फिर चाइनीज फूड होता है वो ज़्यादा करके हाई फ्लेम में बनता है। सो मैं आज ट्राई कर रही हूँ गार्लिक राइस फर्स्ट टाइम। सो लेट्स सी कैसे बनता है। जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो डालते जा रही हूँ और बनने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बनाया हुआ है। चलो चालू करती हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, अभी चाइनीज में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रहता है, फिर भी मैंने इतना तो डाला है, 1 टेबल स्पून जितना डाला है। अभी ये हाई फ्लेम में है जबकि हाई फ्लेम में गर्म हो रहा है, उसके बाद हम उसमें डालेंगे लहसुन। राइस बन रहा है ना तो हम वो डालेंगे। जैसे ही गर्म हो रहा है तो उतने में मैंने डालना चालू कर दिया है लहसुन। तो लहसुन हम लोग को ज़्यादा करके ज़रा संभाल के भी देना, शायद इसमें पानी गिर गया है। कैमरा के साथ कुकिंग करना बहुत ही हार्ड होता है। ये मैं हाई फ्लेम में इसको थोड़ा सा ब्राउन कर दूंगी। जलाना नहीं है, ब्राउन करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छी तरह से एनहांस हो गई और आपकी राइस में आ जाए। और गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि गार्लिक राइस है। और बाकी वेजीज आपको जैसे नॉर्मल चाइनीज में पड़ते हैं वैसे ही डालते जाना है। ब्राउन हो गया है तो इसके साथ मैं बाकी इंग्रेडिएंट मिलाते जा रही हूँ। गार्लिक के साथ है ना ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे ग्रीन चिली, फिर जिंजर ज़्यादा अच्छा लगता था और डाल सकते हैं क्योंकि मोस्टली ये करके सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें डालूंगी मैं स्प्रिंग अनियन, हमें दूसरे ऑनियंस भी डालने हैं इसके साथ।
क्योंकि सभी वेजिटेबल जो पकता है वो अपनी हीट को हीट लेवल उसका अलग होता है, लेकिन आप ओनियन का जो फ्राई होने का लेवल अलग होता है, स्प्रिंग ओनियन थोड़ी सी जल्दी पक जाती है, इसका जो स्मेल खुशबू आ रही है ना बहुत अच्छी आ रही है गार्लिक की। मैं साथ ही साथ इसमें जो कैबेज है वो मिलाऊंगी, क्योंकि बाकी वेजिटेबल्स नहीं है मेरे पास, एक ही वेजिटेबल्स है तो मैं मिलाती जा रही हूँ। मैं उसमें शिमला मिर्च है वो लास्ट में डालूंगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है, तो शिमला मिर्च जो है वो जल्दी पक जाते हैं। ओनियन चाहिए तो आप ब्राउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सी क्रंची रख रही हूँ उसको, क्योंकि इसके साथ मैंने और जो मंचूरियन है वो सब नहीं बना रही हूँ हम लोग से, ये फ्राइड राइस खा रहे इसके साथ, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल था हमने सोचा चलो कुछ इंस्टेंट सा बना के खाए, इसीलिए खा रहे। आपको कोई रेसिपी वीडियो नहीं है, आप इसे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि ये बनने वाला है बहुत ही टेस्टी। हाई फ्लेम में करी हूँ, अभी फ्लेम थोड़ा सा कम करी हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ें ब्राउन ब्राउन होने को आए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है एक्चुअली। सारी चीज़ें डाल दो जितना है अपना सब वही डाल दो, क्योंकि गाजर लगता है बट मेरे घर पर गाजर नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सॉसेस मिलाती जाऊंगी, सॉसेस बिना रेडी करके रखिएगा एक कटोरी में, क्योंकि जब आप ढूंढने जाओगे ना तो ये जल भी सकता है, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा देर और पकाना नहीं है। अब मैं इसमें मिलाती जाऊंगी सॉसेस जो मैंने इकट्ठा किए थे, वो है डार्क सॉस और चिली सॉस है, इसको मैंने मिला दिया था, डार्क सॉस है। जैसे डार्क सॉस ज़्यादा ना तो खुशबू जो आ रही है माउथ वाटरिंग, जैसे दिखने में तो माउथ वाटरिंग लग रहा है, ऐसे खा रहे हैं ऐसे लग रहा है ये तो। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया था, आप चाहिए तो लास्ट में भी मिला सकते हैं, क्योंकि मेरे राइस में भी है सॉल्ट, तो मुझे बाद में चख के मिलाना है, क्योंकि ओनियन को ना ट्रांसपेरेंट होने के लिए मैंने उसमें सॉल्ट मिलाया था। ऑसम राइट ना, कोई कोई ना लेकिन ना कुकिंग के चक्कर में ऐसे बोलते हैं कि दिस इज नॉट कुक्ड, फिर उस चीज़ को हम ओवर कुक करते हैं। सॉस मिलाने के बाद आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड आपको मिलाते रहना है राइस जो मैंने, अगर आपको एक साथ नहीं जम रहा है जैसे मुझे नहीं जम रहा है तो मैं थोड़े थोड़े मिला दूँ एंड आई मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट एंड मिक्स इट, इट्स लुकिंग अवेसम। एंड ये ज़्यादातर कलरफुल ऐसे ही रहते हैं, अगर आप गार्लिक राइस देखने को जाओ तो वाइट नहीं रहता है, अगर आपको और तीखा पसंद है तो आप शेजवान इसमें मिला सकते हो, दैट इज कॉल्ड शेजवान गार्लिक राइस, शेजवान में ऑलरेडी गार्लिक रहता है, तो आप तभी गार्लिक चेकअप कीजिए कि आपको कैसे कौन से मात्रा में डालने हैं। लुक एट दिस मैन, लुक ऑसम, एंड सक्सीडेड, ग्रेट सक्सेस। लुक एट दिस, नाउ आई एम मेकिंग लिटिल बिट हाई फ्लेम सो दैट दिस ये जो राइस है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए।
मैंने बासमती राइस यूज़ किया है, जनरली चाइनीज में बासमती राइस यूज नहीं करते हैं। अगर रियल चाइनीज आप देखने जाओगे ना तो फॉर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू ईट इन इंडिया। और दिस इज माउथ वाटरिंग, आई कांट ईट पोटैटो और मैं खाऊंगा इसका। की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपके पास आयन का बर्तन है तो बेटर है, क्योंकि चाइनीज उसी में बनती है। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ये यूज़ की। थोड़ा थोड़ा लगता है इसमें, बट ये साफ भी इजीली हो जाता है और बन भी वैसे ही गया है जैसे कास्ट आयन में बनता है। दिस इज स्मेलिंग सो ऑसम गाइस। अभी नमक मैंने चेक किया तो उसमें थोड़ा सा डालना था तो मैंने डाल दिया। आप अच्छे टेस्ट के हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट इज ऑलवेज टेस्ट के हिसाब से, इसीलिए बोला जाता होगा ना। इट्स लुकिंग ऑसम एंड इट इज स्मेलिंग वेरी ऑसम। चलो उनसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं खाने जा रही हूँ। तो ठीक है, ये इसके ऊपर है ना हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन का जो लीव्स है वो हम गैस बंद करेंगे और उसके ऊपर इसे डाल देंगे, क्योंकि इसको हमें पकाना नहीं है ना। एंड इट्स लुकिंग सो ऑसम गाइस। चलो चलो फटाफट खा लेते हैं इसको। सो गाइस हमारा तो डिनर हो गया है। अब हम एवरी डिनर के बाद, क्योंकि हम लोग सीरियल नहीं देखते हैं है ना, हम दोनों भी सीरियल लवर्स नहीं है, हम सीरियल बिल्कुल नहीं देखते हैं। बट हम कोई ना कोई एक सीरीज़ देख लेते हैं। और अभी हम दो तीन दिन से काफ़ी सीरीज़ देख रहे हैं। जैसे हमने कौन सा देखा, आर्यन रवीना टंडन का कोई आया है वो देखा हमने। फिर आर्या 1 भी ख़त्म कर दिया, आर्या 2 भी ख़त्म कर दिया दो दिन में। इतना तो स्टोरी हो गई, ख़त्म नहीं कर दे हम। और कल आर्या 2 देखा हमने, उससे कल आर्यन ऐसे कुछ तो था उसका नाम, मैं करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। और उससे कल हमने स्क्विड गेम देखा जी, बहुत ही डेंजरस था स्क्विड गेम, वो अच्छा लगा हमें। एंड आज हम कुछ देखने जाए, कौन सा देख रहे हैं अभी? अभी डिसाइड नहीं किया हम। वो तब्गू की जो मूवी आई है सुटेबल बॉय वो देखने जा रहे थे, बट देखते कुछ एरर चल रहा है तो देखते हैं। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही। टिल देन आई टेक केयर, कीप लविंग योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल टू। बाय बाय।